हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। आज हम CDS 1 2018 मैथ्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 to 20 को पार्ट टू में सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने CDS 1 2015 16 17 का पेपर अपलोड किया है, CDS 2 14 15 16 का पेपर अपलोड हुआ है, तो ये भी पेपर आप लोग देख सकते हैं। पास्ट पेपर से बहुत ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा। ये मेरा फेसबुक का पेज है मैथ्स एंड मोर के नाम से, इसको भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। उत्तम नगर दयाल सर रोड पे नई दिल्ली में हमारी मैथ्स पॉइंट के नाम से कोचिंग है, जिसमें एकेडमिक और कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ्स एंड मोर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल का निशान आता है उसको भी क्लिक कर दिए, जिससे कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड होगा उसका अलर्ट आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th है, ए रीजन ऑफ एरिया ए बाउंडेड बाई ए सर्कल सी, कोई भी यहाँ पे एक रीजन दिया हुआ है, ऐसे ये सी है, कर इज डिवाइडेड इंटू एन रीजन ईच ऑफ एरिया ए बाई एन बाई ड्राॅइंग द सर्कल ऑफ रेडियाई आर वन आर टू आर एन माइनस वन सच दैट आर वन लेस देन आर टू लेस देन आर थ्री। मतलब आर वन जो है आपका आर टू से क्या है, छोटी है। कंसेंट्रिक सर्कल विद द सर आपका सर्कल सी, या इस तरह आपको कंसेंट्रिक सर्कल में ऐसे बने हुए आर वन हो गया आर टू हो गया, ऐसे आपका है। तो इसमें कह रहा है कि इफ पी एम इक्वल टू आर एम प्लस वन अपॉन आर एम, फिर एम इज 1 2 3 और एन माइनस टू तक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे हम जैसे दिया है कि आर टू जो है क्या है, ग्रेटर देन आर वन है, आर टू की वैल्यू ये जैसे आर वन यहाँ से यहाँ तक दिया, तो ये आपका आर टू हो जाएगा। उसके बाद ये दिया है पी एम, पी एम दिया है आर एम प्लस वन अपॉन आर एम, तो यहाँ से हमने पी वन ले लिया, एम की वैल्यू हम जब वन पुट करेंगे तो आर वन प्लस वन अपॉन ये आर वन हो गया, अलग अलग कर देंगे तो आर वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर वन, आर वन से कट गया तो वन प्लस वन बाई आर वन हो जाएगा। उस तरह पी टू जब निकालेंगे तो आर टू प्लस वन, यहाँ पे एम की वैल्यू टू पुट कर देंगे, प्लस वन अपॉन आर टू, तो ये आर टू बाई आर टू फिर वन हो जाएगा वन प्लस, तो ये वन दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब हम पी वन पी टू में कंपेयर करना हो तो वन बाई आर वन, वन बाई आर टू और वन बाई आर वन हमको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ आर टू जो है क्या दिया है, ग्रेटर देन आर वन दिया है, तो जब इसको हम रिसिप्रोकल करेंगे तो वन बाई आर टू लेस देन वन बाई आर वन होगा। जैसे यहाँ दिया है कि थ्री ग्रेटर देन यहाँ पे दिया है टू, तो जब वन बाई थ्री करेंगे तो लेस देन वन बाई टू हो जाएगा, क्योंकि वन बाई टू वन बाई थ्री से बड़ा होता है। तो इसी तरह ये वन आर टू ग्रेटर देन आपका आर वन दिया, तो वन बाई आर टू लेस देन वन बाई आर वन। अब आर टू लेस देन वन बाई आर वन है, आर टू मैंने ये चीज़ आपका दिया पी टू, पी टू क्या होगा लेस देन हो जाएगा पी वन, क्योंकि दोनों साइड इधर हम प्लस कर देंगे, तो ये चीज़ क्या है पी टू, और ये आपका क्या हो गया पी वन हो गया, तो पी टू लेस देन पी वन। इसका मतलब कि जब रेडियस क्या होगा, ये पी जब दिया यहाँ दिया पी डिक्रीजेज एज एम इंक्रीजेज, जब एम की वैल्यू आप हम यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं तो पी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज टू ए सच दैट देयर बेसिज आर ऑन द सेम प्लेन। इस तरह आपका दिया है, क्यूब दिया है, अभी हमने कोन यहाँ से कट कर लिया ऐसे, तो इसकी हाइट आपके 2a के इक्वल हो जाएगी और ये डायमीटर हो जाएगा 2a, तो रेडियस आपका a हो जाएगा। तो इसका ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, v जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर की वैल्यू a है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगी 2a, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई और ए स्क्वायर और ये मिलकर a क्यूब हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, ये करेक्ट ऑप्शन है। 13th क्वेश्चन है, कर द रेडियाई ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल दिस एंड दिस सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस बिटवीन द अब सेंटर दिया 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है यहाँ पे, जो आपका लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का डायरेक्ट फार्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, या आर वन आर टू का होल स्क्वायर होता है, डी स्क्वायर माइनस, ये रूट में आता है। अब ये बनता है कैसे, थोड़ा मैं ये समझा देता हूँ। ये जैसे आपका एक सर्कल दिया है और एक छोटा सर्कल दिया है, तो ये जो टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट जो होगी आपकी, ये ट्रांसवर्स हो जाएगी, ऐसे भी बन सकती है, तो हम एक ही साइड से बनाएं। अब इसमें ये आपको डी दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है डी, अब इसको हम क्या करते हैं कि ये आपका कैपिटल आर है, इसी के आगे जितना ये आर दिया है, क्योंकि ये जो इस पे होगी ये परपेंडिकुलर होगी, और यहाँ पे ये भी रेडियस पे का परपेंडिकुलर, इस लाइन को आगे हम एक्सटेंड कर दें जितना ये आर के इक्वल है, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा रेक्टेंगल। तो जो ये लेंथ होगी ट्रांसवर्स की, यही आपकी लेंथ ये हो जाएगी, और ये आपका 90 डिग्री बन गया, तो 90 डिग्री, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपकी एक साइड हो जाएगी, एक साइड ये जो आपके यही ट्रांसवर्स के इक्वल होगी, जो टेंजेंट ये जो टेंजेंट है उसी टेंजेंट के इक्वल होगी, तो डी की स्क्वायर में से ये जो साइड है आर प्लस आर, इसका
इसको ऐड करके इसको माइनस कर देंगे स्क्वायर करके, तो इसलिए डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये फार्मूला कैसे आता है। तो डी 10 है, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो 100 माइनस 64 आपका ये आएगा 36, 36 का रूट 6 सेंटीमीटर, तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। ये 14 दिया है, देयर आर एज मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर इन द सर्फेस एरिया ऑफ ए स्फेयर एज देयर आर क्यूबिक सेंटीमीटर इन द वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है उस सर्फेस एरिया के इक्वेट कर देना है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो 4/3 πr³ होता है, ये आपका वी हो गया, ये सर्फेस एरिया 4πr² हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ये पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, और आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो r/3 = 1 आएगा यहाँ से, तो r = 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन है इसका। ये 15 दिया है, द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर दिया है ये। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स एट ए पॉइंट सी, सी पे हमने डिवाइड कर दिया, सच दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू सी बी। तो ए सी स्क्वायर इसका स्क्वायर, ए सी ए बी ये पूरा इंटू ये सी बी के क्या है इक्वल है, ए सी स्क्वायर ए बी इंटू सी बी। ए सी को हमने एक्स ले लिया, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी की वैल्यू यहाँ से दिया है 2 दिया है, और यहाँ से आपका सी बी की वैल्यू 2 - x दिया है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 से इंटू करेंगे, 2 × 2 = 4 हो गया, ये -2x, तो इधर आके +2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +2x - 4, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। तो हमने ये डी की वैल्यू निकाल दी, डी b² - 4ac होता है, तो ये आपका 2k² 4 हो जाएगा, और ये करेंगे माइनस, तो ये माइनस है तो ये प्लस कर देगा, 4 × 4 = 16, तो ये 20 होगा, तो ये रूट अंडर रूट डी की वैल्यू आ जाएगी 2√5 हो जाएगी, क्योंकि 20 का फैक्टर 2 × 2 × 5 होता है, तो 2 इसमें से आपका एक 2 बाहर आ जाएगा, 5 ये बच जाएगा यहाँ से। अभी एक्स का जो फार्मूला होगा, माइनस भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस ये 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये बी की वैल्यू दिया है, प्लस माइनस ये डी की वैल्यू आई थी, अंडर रूट डी की वैल्यू 2√5, और यहाँ अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस माइनस ये √5 हो गया, एक वैल्यू आपका √5 - 1 आएगी, एक वैल्यू -√5 - 1 आएगी, तो आपका ये निगेटिव तो होगी नहीं वैल्यू, इसलिए ये वैल्यू आपकी होगी एक्स की वैल्यू √5 - 1, ये डी के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है 5/17 + 5/18 + 5/19 + 5/20 इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ से 5/17 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5/1 बचेगा तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5/2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ पर 5/3 बचेगा तो 125 हो जाएगा। इस सबको ऐड किया तो 156 आ रहा, 156 जो आपका ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 12 आएगा, 5/17 × 12, तो आंसर जो इसमें होगा आपका क्या होगा, डी होगा, जो 13 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, कह रहा है इफ ए प्लस बी इक्वल टू दिया 2c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पावर ए अपॉन ए माइनस सी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी। इसमें हम क्या करते हैं, सी को जीरो, मैक्सिमम जो वैल्यू इसमें है आपको यहाँ पे क्या है सी है, तो सी को हम जीरो ले लेते हैं, सी को जीरो ले लेते हैं कि वैल्यू -1, और बी की वैल्यू आपका +1 भी हो सकती है, इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए सी हम जीरो लेते हैं, ए और बी की वैल्यू बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो हम सी की वैल्यू जीरो लेने से क्या होगा कि ये लेने के लिए मैक्सिमम देखते हैं कि जीरो लेने से कौन सा ये जो आपका है सिंप्लीफिकेशन हो जाए, बट 0/0 नहीं होना चाहिए। तो सी जीरो लेंगे तो 0/ ये क्या होगा, ये कट जाएगा, तो 0/b हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा आपका खत्म हो जाएगा, और यहाँ से सी ये जीरो हो गया तो a/a बचेगा, a/a कितना हो गया 1 हो गया, तो सी जीरो लेने से ये हमारा ए ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सी जब जीरो होगा तो ए की वैल्यू 1 - 1 2 - 2 इसको -2 इसको कुछ भी ले सकते हैं, और डिवाइड करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, क्योंकि ए ही बच रहा है यहाँ पे, तो a/1 सेम वैल्यू होती है, कट के 1 ही आएगा, तो ये आपको केवल सी लेने से, सी जीरो लेने से ये क्वेश्चन हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, करा इफ़ एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस, जेड इक्वल टू दिस, और एक्स वाई आपका नॉट इक्वल टू 1 दिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो इसमें सिंपली क्या करते हैं, जैसे जेड इक्वल टू एक्स पावर 1/c दिया है, एक्स की वैल्यू फिर यहाँ से उठा के पुट कर दें वाई पावर ए, तो वाई पावर ए बी ए सी 1/ac हो जाएगा, फिर वाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे जेड पावर 1/b, तो जेड पावर वो ए बी सी हो जाएगा, 1/abc हो जाएगा, और यहाँ जेड पावर जेड इक्वल टू है 1 दिया है, तो 1/abc = 1 हो जाएगा, तो ए बी सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये भी इजी क्वेश्चन था, इस ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ 2b = a + c दिया है एंड y² = xz, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस निकालना है। तो
हमने यहाँ क्या किया है, टू बी को बी प्लस बी ब्रेक कर लिया और ए प्लस सी इधर दिया, तो ये बी माइनस सी कर लिया और ए माइनस बी, मतलब बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्स पावर बी माइनस सी दिया है, इसके जगह हमने ए माइनस बी पुट, तो एक्स पावर ए माइनस बी हो जाएगा, वाई पावर यही रहने देंगे, और जेड पावर यहाँ पे ए माइनस बी दिया है, तो दोनों का पावर ये सेम हो जाएगा। जैसे ए पावर एम इंटू दिया होता है बी पावर एम, तो ए बी पावर ये क्या होता है, एम हो जाता है। तो ये दोनों का पावर यहाँ ए माइनस बी ए माइनस दिया, तो एक्स जेड के पावर ही हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ वाई का पावर सी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ से फिर हम ये करेंगे, तो एक्स जेड की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर के पावर यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू वाई पावर सी माइनस ए। अब इसको टू से इंटू कर लेंगे, तो वाई पावर टू बी माइनस टू ए माइनस टू बी हो जाएगा, और ये पावर ये क्योंकि बेस सेम हो गया तो ऐड हो जाएगा, तो प्लस सी माइनस ए होगा, तो ये हो जाएगा वाई पावर, यहाँ से ए बचेगा, तो ए प्लस सी माइनस टू बी, और ए प्लस सी की वैल्यू क्या दिया यहाँ से, ए प्लस सी की वैल्यू टू बी दिया है, तो टू बी माइनस टू बी, तो यहाँ से पुट कर देंगे तो ये जीरो हो गया, वाई पावर जीरो, फिर इसकी वैल्यू वन हो गई। तो इसमें ज़्यादातर ऑप्शन आपका इसमें वन ही आता है। अभी क्वेश्चन नंबर 20 दिया कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें डी ऑप्शन होगा, कह रहे कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो आपका इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी, रिपीट भी नहीं करता, इसलिए ऑप्शन इसमें क्या होगा, डी होगा। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।